कोरोना काल के बीच देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आमतौर पर भारत की तमाम हिस्सों में योग दिवस सामूहिक रूप से अलग अलग स्थान पर मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस संकट की वजह से इस बार सभी अपने घरों में ही योग दिवस मनाते दिखाई दिए। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने घर पर योग किया। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ योग किया, मुख्तार अब्बास नकवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर, शहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह समेत कई मंत्रियों ने योग किया। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से संदेश यह दिया गया कि बेशक कोरोना काल हो, बेशक पूरे देश पर, विश्व पर संकट छाया हो, लेकिन योग अगर आप करेंगे तो फिर आप निरोग हो जाएंगे। और ये चार तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा देखिए। दूसरी तरफ योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम में जवानों समेत कई जगहों से आईटीबीपी के जवानों ने योग किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की 14,000 फीट की ऊंचाई पर, पीछे झरना बह रहा है, जमीन के नीचे बर्फ है और उसके ऊपर जवानों का वो हौसला जिसके जरिए वो दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर भी वो योग करते हैं, इसलिए वहां पर टिके हुए दुरुस्त हैं। नॉर्थ सिक्किम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए 1880 फीट की ऊंचाई पर किस तरीके से योग किया जा रहा है, बर्फ के बीच में योग किया जा रहा है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में योग किया जा रहा है। इसके अलावा लद्दाख के खरतुंग के अंदर भी 18 फीट की ऊंचाई पर योग किया गया और यह हमारे सैनिकों का वो जज्बा है जिसके जरिए ना सिर्फ वो संदेश दे रहे हैं बल्कि वो ये बता रहे हैं कि अगर वो वहां पर योग कर सकते हैं तो कम से कम हम घर पर तो योग रहकर अपने शरीर को निरोग कर ही सकते हैं। आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। लद्दाख में बर्फ से ढकी सफेद चादर पर आईटीबीपी जवानों के एक दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। लद्दाख में जिस जगह पर इन जवानों ने योग किया वहां तापमान 0 डिग्री से नीचे है। बर्फ की सफेद चादर पर जवानों का योग अभ्यास बेहद मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं सिक्किम और उत्तराखंड में भी जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया।